हाय, तो बनाते हैं बचे हुए चावल से एक चटपटी सी रेसिपी। तो सबसे पहले सोया चंक्स ले लेंगे, उनको भीगने के लिए छोड़ना है तो गर्म पानी का यूज़ किया है ताकि ये जल्दी से भीग जाए। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, तो 3 से 4 प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब एक कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में तेल डालूँगी, तेल को अच्छे से गर्म करना है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सारा प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम में ही पकाना है। तो प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, हाई फ्लेम में ही इसे पकाएंगे और बस इसी स्टेज पे हम इसको बाहर निकाल देंगे एक टिश्यू पेपर में और प्याज को हम फैला कर रखेंगे ताकि इसका क्रंचीपन बना रहे। और अब एक बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे सोया चंक्स। तो सोया चंक्स को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था और एक दो बार पानी से अच्छे से धो लिया था। और इसमें डालेंगे साथ में ही एक बारीक कटा हुआ आलू और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है मटर, फ्रोज़न मटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और जो हमने फ्राई किए हुए प्याज रखे थे ना उनको डाल देंगे थोड़ा सा, और नमक आप स्वाद अनुसार इसमें डालें। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी दही और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे साइड में रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च को इसमें हम डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और ज़ीरे को हम चटकने देंगे। और अब हम डाल देंगे प्याज, तो 1 छोटा प्याज मैंने बारीक कट करके इसमें डाला है। अब प्याज को पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो टमाटर को भी हम तेल छूटने तक पका लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने सब्जी का मिक्सचर बना के रखा था रेस्ट के लिए, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हमें पकाना है, तो लगभग 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है, और क्योंकि आलू हमने बहुत बारीक बारीक कट करके रखे हैं और बाकी सब चीज़ें जो हैं 10 मिनट में अच्छे से पक जाएगी, तो ढक्कन लगा के आप इसे पका लें। और अब हम ले लेंगे बचे हुए चावल। तो अगर आपके पास चावल बचे हुए नहीं है तो आप यहाँ पर ताजे चावल भी बना सकते हैं और उनमें आप नमक डालना बिल्कुल ना भूलें। तो ये मैंने यहाँ पे चावल को इसके ऊपर चारों तरफ फैला दिया है। इस टाइम मैंने गैस बंद कर दी है और चावल को अच्छे से पूरे सब्जी के ऊपर फैला दूँगी। अब मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा नमक, क्योंकि मैं चावल में नमक नहीं डालती हूँ, तो यहाँ पर हल्का हल्का नमक मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर फूड कलर, ये ऑप्शनल है, बस ऐसे ही अच्छा लगता है देखने के लिए, तो मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। तो 3 फूड कलर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, रेड, येलो और ग्रीन का। साथ में अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच भर कर देसी घी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल रही हूँ 1 चम्मच, और जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे उनको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अब मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और पानी के छींटे इस पर थोड़े से डाल दूँगी, 2-3 बार मैं इस तरह से पानी के छींटे जो है इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने एक तवा गर्म कर लिया है, तो उसके ऊपर मैं इस कढ़ाई को रखूँगी और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में पका लें। उसके बाद आपकी ये बिरयानी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो बचे हुए चावल से इतनी टेस्टी बिरयानी बन सकती है, यकीन नहीं होता, बहुत ही टेस्टी ये बनी हुई थी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो इसमें धनिया और पुदीना ज़रूर डालना, उससे इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। वो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। चलिए अब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।